हेलो दोस्त, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम हिंदी की क्लास अपने एजुकेशन मंत्रा में एक बार फिर लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि सिपाही के लिए या किसी भी मंडे एग्जाम के लिए जहां हिंदी आती है, जैसे पेट आने वाली है, पेट का फॉर्म भरा जा रहा, सब लोग भर दें उसे समय से। इसके अलावा फिर सिपाही की आने वाली है और भी शिक्षक की भर्ती आने वाली है। तमाम हर जगह यूपी की कोई भी वैकेंसियों में हिंदी पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास है जहां हिंदी के मतलब जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हम वर्णमाला के दूसरे चैप्टर में। अगर दोस्तों मेरा पहला वर्णमाला का आप लोगों ने मतलब जो है वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां हमारा पहला वीडियो वर्णमाला का जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से बिल्कुल लिंक होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक वर्णमाला, और वर्णमाला में आज दूसरा लेक्चर है। देखिएगा, हमें आज पढ़ना है वर्णमाला में जो हमने पहले वीडियो में जहां से मैंने एंड किया था उसी के आगे। तो पहले वीडियो में दोस्तों हमने आपको स्वर बता दिए थे, स्वरों की संख्या बता दिया था, स्वर का प्रकार बता दिया था, और स्वरों की क्या स्थिति है वर्णमाला में वो मैंने आपको बता दिया। यानी दो नंबर आपको पहले वीडियो में और दो नंबर आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिएगा मैंने कुछ लिख रखा है, इसका आपको उत्तर बता देना है। हमारे कमेंट सेशन में जाइए और वहां फटाक फटाक टाइप कर दीजिए और बता दीजिए कि इन सबका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग करिएगा और हम आपको एक एक करके उत्तर बता रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे ये देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, यूजीसी नेट के एग्जाम में जो लोग हिंदी से नेट वगैरह देते हैं उनसे उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, वहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिएगा कोई भाषा किस प्रकार विकास करती है, जल्द ही हम एक मतलब जो है वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे जिसमें हम हिंदी की ही नहीं किसी भी भाषा के विकास के बारे में चलेंगे हम, कि ध्वनि कैसे आई, फिर ध्वनि से फिर बोली कैसे हुई, बोली से फिर वर्ण कैसे बना, वर्ण से फिर अक्षर कैसे बना। तो इसी प्रकार हमारा अगला वीडियो इसी पे आधारित रहेगा, लेकिन यहां पर ये आप हमको बताइएगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिएगा सबसे पहले जो दुनिया की सबसे पहली भाषा थी, सबको पता है दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत थी। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, अगर यही चलिए मैं लिख ले रहा हूं, पूरे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है ना, प्राचीन अगर भाषा की बात की जाए, अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछ ले कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा, संस्कृत होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। अब देखिएगा जब आर्य आए यहां पर भारत की जमी पर, भारत के भूभाग पे या भारत के भू क्षेत्र पर आर्य आए, तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और सबको पता होगा आर्य श्रेष्ठ थे, आर्यों ने ही हमारे मैक्सिमम भाषाओं को और ग्रंथों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कराने के लिए कहीं ना कहीं मदद किए। और वो आप इतिहास के टीचर में मतलब इतिहास के क्लास में आप वैदिक, पूरा वैदिक, अध्य वैदिक, वहां हम जो वैदिक कालीन सभ्यताएं वो हमारे इतिहास वाले सर आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। तो बस इतना यहाँ जानिएगा हिंदी क्लास में कि जो प्राचीन भाषा थी पूरे दुनिया की वो कौन सी भाषा थी, वो थी संस्कृति। ठीक है, तो बस इतना जानिएगा। अगला चलते हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो चलिए बताइएगा विकास कैसे हुआ। तो देखिएगा विकास सबसे पहले जो भाषा आई थी वो थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। ये संस्कृत है भैया, संस्कृत के बाद ही कोई भाषा आई है, लेकिन विकास हिंदी का कैसे हुआ, तो सबसे पहले क्या थी, पाली थी। अब आप लोगों ने जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो ये चीज जरूर पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो हिंदी मत मारिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी हिंदी का नामो निशान नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने अपना भाषा या अपना जो उपदेश पाली में दिया था, ठीक है, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है, कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया था। ठीक है, तो पाली आई, पाली के बाद देखिएगा, पाली के बाद एक भाषा का विकास होता है जिसका नाम था प्राकृत। कौन सी भाषा आई, पाली, प्राकृत। ठीक है, संस्कृत तो है प्राचीन दुनिया की, इसके बाद पाली, प्राकृत, इसके बाद एक और भाषा आती है अपभ्रंश। ठीक है, कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश। तो बिल्कुल ये सीक्वेंस लगाने को पूछा जाता है कि मतलब जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ, चार ऑप्शन रहेंगे, चारों में जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे दे देगा। तो मतलब इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, वो हमारे बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन करिएगा, वहां हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो पाली हुआ, प्राकृत हुआ,
इसके बाद एक भाषा और बनी, यहाँ देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, उस भाषा का नाम है अवहट्ट, ठीक है ना, क्या है अवहट्ट, ये है ठीक है। इसके बाद हिंदी आई, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई, पाली आई, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी आई, ठीक है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। देखिएगा अवहट्ट एक ऐसी भाषा थी जो साहित्य वगैरह में खूब यूज होने लगा, लेकिन ये देखा गया कि अवहट्ट जो है अपभ्रंश के बाद आई थी और अवहट्ट से हिंदी की भाषा का विकास हुआ। अब देखिएगा एक चीज और, आप यहाँ इतिहास की चीजें हैं आप समझ जाइएगा, दुनिया में जब जब कठिनाइयां आई तब तक व्यक्ति सरलता का मार्ग खोजता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा किसी का नाम बोलने में बहुत कठिन है, किसी का नाम बोलने में हमें बहुत कठिनाइयां आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसका कोई इजी रास्ता तलाशते हैं कि उस व्यक्ति का नाम हम किस प्रकार आसान शब्दों में कह सके, ठीक है। तो ये देखिएगा वही चीजें हैं कि जैसे पाली थी, पाली से जो है बिल्कुल सरल प्राकृत थी, प्राकृत से सरल अपभ्रंश थी, इससे अवहट्ट और हिंदी सबसे सरल हो गई। जैसे आप लोग पूछेंगे बनारस, वनारस, अब मैक्सिमम लोग बनारस ही कहते हैं, ठीक है, वनारस बहुत कम लोग कहते हैं। तो ऐसी भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है जो कठिन हो, व्यक्ति हमेशा कठिनाइयों से सरलता की तरफ जाता है, ठीक है। तो बस उन्हीं का सिस्टम बिल्कुल भाषा में है। खैर आप इस वर्णमाला चैप्टर 2 में बताइएगा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई, अवहट्ट। देखिएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी, देखिएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट और हिंदी, ठीक है, पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट और हिंदी ये भाषा थी, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है, हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है। तो देखिएगा मैक्सिमम भाषाओं की जननी यही संस्कृत है, तो बिना देर किए हुए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा संस्कृत, ठीक है। ये देखिएगा ये भी UP SSC लिख के ले लीजिएगा, पेट सेट में जो है खूब पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर लिख लीजिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा हिंदी राजभाषा कब बनी, अब देखिएगा भारतीय संविधान सभा जब बन के तैयार हुआ, इसके बाद भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, और जल्दबाजी में उत्तर हमारा गलत हो जाता है। जल्दबाजी में क्या उत्तर गलत हो जाता है कि हम संस्कृत मार देते हैं या हिंदी मार देते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भारत का आपसी तौर पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, ठीक है, सेकुलर की बात करता है, इसीलिए आपसी तौर पर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये UP TET में, UP SSC में या विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, लोग हिंदी मार के चले आते हैं और ये कहते हैं कि मेरा ये प्रश्न बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन जब आंसर की आती है तो कहते हैं ओ गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारे द एजुकेशन मंत्रा चैनल के टेलीग्राम चैनल में नीचे लिंक दिया गया है, जाके वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां प्रैक्टिस सेशन की अधिकतर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और जो चीजें नहीं मिलेगा वो हमारे लाइव क्लासेस में या रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और उनको ये बताएं कि द एजुकेशन मंत्रा लेकर आया है बिल्कुल फ्री निःशुल्क बैच, इसीलिए इसके जो है चैनल को हम बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के दे दीजिए कहीं, ठीक है, कि 100% यहाँ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे UP TET के हुए और चाहे सिपाही के हुए, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी भाषा की, हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। हिंदी राजभाषा कब बनी, तो मैंने कहा कि 14 सितंबर 1949 लिख लीजिएगा, 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। किसके रूप में दिया गया, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा मैंने लिखा है, ठीक है, इसको और हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बॉक्स में कर रहे हैं, राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा ऐसा नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा नहीं है,
भारत की कोई भी ऑफिशियली तौर पे राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषा है, पहला हिंदी है और दूसरा बताइए, दूसरा क्या है बताइए, बिल्कुल समय दे रहे हैं आपको, कमेंट सेशन में टाइप कर दीजिए, दूसरा क्या है, उर्दू है, जो 1979 को उर्दू भारत की द्वितीय राजभाषा बनी। उर्दू कब बनी भारत की द्वितीय राजभाषा? 1979, यहीं चलिए लिख दे रहा हूं, 1979 को ना उर्दू जो है आप इसलिए तौर पे भारत की क्या बन गई, राजभाषा बन गई। ठीक है, चलिए चलते हैं, यहां देखिएगा राजभाषा है, ठीक है, क्या है, राजभाषा है, इसको बिल्कुल देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 14 सितंबर 1949 भैया ये सब 100% है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी भाषा का पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देखिएगा हर भाषाओं की अपनी लिपि होती है, ठीक है, उसी प्रकार हिंदी भाषा की जो लिपि है वो लिख लीजिएगा देवनागरी, क्या है, ठीक है ना, देवनागरी है, ठीक है, लिख लीजिएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक, बिल्कुल नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपने नोट भी कर लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, और हमारी क्लास में है तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटाने की गारंटी, याद कराने की गारंटी हमारी है, लेकिन उसके लिए बस एजुकेशन चैनल को, द एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो पाली प्राकृत अपभ्रंश से ही हो गई, और हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत हो गई, और हिंदी दिवस 14 सितंबर हो गया, इसके अलावा हिंदी भाषा जो है किस लिपि में है, देवनागरी लिपि में। हाँ, एक और चीज ले लीजिएगा, एक नंबर फ्री में पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा का भी, पंजाबी जो है इसका मतलब, इसकी लिपि क्या है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, ले लीजिए, मुफ्त में है, बटोर लीजिए, गुरु मुखी लिपि में है पंजाबी। ठीक है, हिंदी देवनागरी में है, याद रखिएगा, और ही हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आप समय से चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, कमेंट सेशन जिंदाबाद है, टाइप कर दीजिएगा, हम कल की क्लास में आपको ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्लास शुरू होने से पहले जितने भी कमेंट है उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा हर सब्सक्राइबर या हमारा हर स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको स्वर बता दिया था, आज की क्लास में हम भैया पढ़ाएंगे व्यंजन, व्यंजन होते क्या हैं, ठीक है, व्यंजन जो है होते क्या हैं, ठीक है, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग हमारी गंदी है तो इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि कला वाला कभी पढ़े नहीं तो इसको इग्नोर करिएगा, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं बताइएगा, हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमारी क्लास एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक होती है, तो पहली क्लास पढ़िएगा, खैर हम एक बार और बता रहे हैं, मैंने बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको उच्चारण के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन को ना आवश्यकता पड़ती है, ये होते हैं अपंग। क्यों अपंग होते हैं, क्यों, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है जब तक कि इनके साथ स्वर नहीं आया। ठीक, तो परिभाषा आपको तो पता हो गया होगा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और बढ़िया से लिखिए, तीन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। लिखते हैं, चलिए लिख दे रहा हूं, अब लिख लीजिएगा, लिखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया चाहता है, क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। भैया नोट कर लीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, परिभाषा तो ठीक ही है, परिभाषा तो आपको पता है कि यूपीटीएससी पूछेगा नहीं, सिपाही की एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है, इग्नोर मत करिए, पूछ लेगा, और चार ऑप्शन तुमको ऐसे फंसा के देगा कि तुम फंस ही जाओगे, इसीलिए परिभाषा बिल्कुल, जहां स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ गई वही व्यंजन कहलाएगा, ऑप्शन ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं स्वरों की सहायता की क्यों आवश्यकता पड़ गई, देखिएगा, ये भैया बड़ा सा मैंने लिख दिया है, एक वर्ण सबको पता है, ये वर्ण है का, कौन सा वर्ण है, का। अच्छा, हमने का लिखा, का तो है व्यंजन, और मैं कह रहा हूं कि व्यंजनों में स्वरों की आवश्यकता पड़ जाती है, देखिए मैं बोल रहा हूं का, खा, गा, घा, तो देखिएगा हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा का, लिखा तो ऐसे है का,
लेकिन वास्तव में अगर वर्तनी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि है ये व्यंजन और इनको जरूरत पड़ गई स्वर की, इनको जरूरत किसकी पड़ गई? स्वर की। तो चलिए ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कैसी वर्तनी है इसमें। तो ये कहां है? तो आधा का ये जो सिंबल मैं लगाया हूं यह है आधे हलंत का। अगर किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लग गया तो इसका यह मतलब हो गया कि वो वर्ण आधा हो गया। ठीक है, आगे से ना समझाना पड़े। तो इसमें देखिएगा ये हो गया का। तो वास्तव में अगर वर्तनी की दृष्टिकोण से देखा जाए का तो ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन लिखा ऐसे जाता है क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि व्यक्ति कठिनाइयों से सरलता की तरफ जाता है। ठीक है ना, लिखने में आसान ये है और ये लिखने में थोड़ा टाइम टेकन है, तो कौन सही है ये? लेकिन ये वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है, ये सही है। ये क्या है? सही है। आपसे वर्तनी भी पूछता है दो नंबर, तो आप हमारे क्लास में बने रहेंगे तो वर्तनी भी निःशुल्क आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है का, यह है का। ठीक, इसको अगर हम वर्तनी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिएगा ये का और प्लस मात्रा लगा है ना, तो ये हो गया, ये सही लिखा है। ठीक है, आप देखिएगा अगर हम यही लिख दें की, तो ये क्या हो गया? आधा का प्लस ई, ये क्या पढ़ा जाएगा? की। और अगर हमने आपसे कह दिया की, ठीक है, तो की कैसे लिखेंगे आप वर्तनी के दृष्टिकोण से? आधा का प्लस ई, तो ये सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर हम लिख दें यहां गा, क्या लिख दें? गा, और हम कहें कि ये वर्ण मतलब स्वर व्यंजन है और व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, यानी गा, सॉरी यहां लिखिएगा आधा गा और प्लस आ, ये हो गया गा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कमेंट सेशन जिंदाबाद है। तो समझ में आ गया होगा व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, और व्यंजन हमेशा अपूर्ण या अधूरे होते हैं। ठीक है ना, व्यंजन क्या होते हैं? हमेशा अपूर्ण या अधूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर स्वर की आवश्यकता ना पड़ती तो स्वतंत्र होते, लेकिन भैया ये जहां जाएंगे इनके साथ पीछे पीछे स्वर भी लगा रहेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं, पूछते रहिएगा। ये हो गए आपके व्यंजन, चलिए ठीक है। अब एक और खूब एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये है व्यंजन द्वित, ठीक है, पूछा जाता है व्यंजन द्वित, पूछा जाता है। तो इसमें देखिएगा होता क्या है व्यंजन द्वित में, हम परिभाषा आपको बता रहे हैं। जब समान व्यंजन, लिख लीजिएगा, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, संयुक्त तो पता होगा क्या होगा, जोड़ा, मेल। ठीक है, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, सॉरी संयुक्त होते हैं, तब व्यंजन द्वित होता है। ठीक है, जब समान व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। समान व्यंजन का क्या मतलब हो गया? समान व्यंजन, समान व्यंजन, समान व्यंजन का यह मतलब हो गया कि दोनों जो व्यंजन है वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे ये का है, ये का है, तो दोनों समान है कि नहीं समान है? ये गा है, ये भी गा है, दोनों समान है कि नहीं समान है? तो ये सब मतलब क्या हो गए? व्यंजन द्वित हो गए। ठीक है, तो व्यंजन द्वित क्या होते हैं? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। परिभाषा बिल्कुल देखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, हो गया होगा तैयार। जब समान व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं, तो क्या कहलाता है? व्यंजन द्वित कहलाता है। लेकिन देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, आपने बुलाया हमें, भाई मीटिंग करनी है आ जाओ, तो हम आपसे बोलेंगे ठीक है अड्डे पे आ जाना। कहां जाने? अड्डा पे आ जाना, अड्डे पे आ जाना। तो अड्डा कैसे लिखोगे? अड्डे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना कि अड्डे पे मिल लो, यही है ना, है यही। तो ये क्या है? देखो आधा डा है ये, तो आ आधा डा और डे, क्या हो गया? अड्डे हो गया।
ठीक है, कच्चा, देखिएगा हो रहा है ना, समान व्यंजन संयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पक्का, कच्चा, पक्का, अड्डा, ठीक है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संयुक्त मतलब व्यंजन द्वित है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये भी चीजें क्लियर हो गया होगा। और अब आपको हम और क्या पढ़ा दें बताइए। हाँ एक चीज और बता दें आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत होगी तो मत पूछिएगा। देखिएगा हम आपको एक और चीज पढ़ाने जा रहे हैं वर्णमाला में ही, आयोग वा, ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम, आयोग वह, ठीक है ना। तो देखिएगा आयोग वह, सबसे पहले परिभाषा पे चलते हैं, सबसे पहले आपको हम परिभाषा बताते हैं कि आयोग वह होता क्या है, ठीक है। तो आयोग वह सबसे पहले बताइएगा हमें होता क्या है। तो देखिएगा आयोग वह में क्या होता है, एक एक शब्द का, तो आ का मतलब होता है नहीं, आ का क्या मतलब होता है, नहीं, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, ये आ जो वर्ड है इसका मीन्स होता है, मीनिंग होता है, तो आ का क्या मतलब होता है, नहीं। योग का मतलब तो सबको पता होगा, जोड़ होता है, योग कहते नहीं योग कर दो भैया कितना हो, तो योग का क्या मतलब हो गया, जोड़, और वह का यहां पर मतलब होगा साथ, ठीक है। चलिए परिभाषा बनाइए, देखिएगा हमारे द एजुकेशन मंत्रा पे किसी भी शब्द की परिभाषा या किसी भी शब्द की परिभाषा आपको हम तोड़ मरोड़ के बताएंगे, कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं देंगे, वरना मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, पीएन पांडे हैं, आदित्य पब्लिकेशन है, ठीक है, बहुत सी किताबें पड़ी हुई हैं, आप जाके वहां से पढ़ लीजिए, लूसेंट की भी किताबें हैं, ठीक है ना। यहां पर वो चीजें मिलेगा छटा छटाया, देखिएगा वास्तव में अगर सिलेक्शन देखा जाए, सिलेक्शन क्यों इतने कम लोगों का होता है, तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में सिलेक्शन सेलेक्टिव शब्द से बना हुआ है, और सेलेक्टिव का ही मतलब होता है कि जो भैया सिलेक्शन के लिए जो सेलेक्टिव चीजें पढ़ा उसी का होगा सिलेक्शन, और बाकी जो पोथी पढ़ के ज्ञानी बने हैं वो टीचर बनते हैं, ठीक है ना, क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं, और जो सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हैं उनका होता है सिलेक्शन। तो इस चैनल पे हमारे सिर्फ सेलेक्टिव चीजें मिलेंगी आपको। तो आ का मतलब क्या होता है, नहीं, योग का मतलब जोड़ होता है, और वह का क्या मतलब होता है, साथ होता है, ठीक है, परिभाषा हम बता रहे हैं आपको, जो योग जो साथ हो, ठीक है ना, जो साथ हो किंतु जुड़े नहीं, ठीक है, जो साथ हो किंतु जुड़े नहीं वही क्या कहलाता है, अयोग वह, लिख लीजिएगा, जो साथ हो, ठीक है, परिभाषा भी आपको नहीं मिलेगा, ये हमारा बना बनाया परिभाषा है, जो साथ हो, जो साथ हो परंतु जुड़े नहीं, क्या हो, जुड़े नहीं, लिख लीजिएगा, परंतु जुड़े नहीं क्या कहलाएगा, अयोग वह कहलाएगा। तो आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, वह का मतलब साथ, और परिभाषा बन गई, जो साथ हो परंतु जुड़े नहीं, ठीक है। जैसे बहुत से लोग होते नहीं है कि पार्टियां, आपने देखा कि ये पार्टी इस पार्टी में मर्च हो गई, विलय हो गई, जैसे आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव जी की प्रगतवादी समाजवादी पार्टी, तो प्रगतशील समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी में क्या हो गई, विलय हो गई, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या हो गया, अस्तित्व तो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो इस नाम की कोई पार्टी नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गई, विलय कर लिया। लेकिन कुछ पार्टियां आपने देखा होगा, मैक्सिमम पार्टियां जैसे सुहेलदेव समाज पार्टी, राजभर की पार्टी है, बहुत चिल्लाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उनकी पार्टी है सुहेलदेव समाज पार्टी, तो वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो गठबंधन करते हैं, उनकी ये शर्त होती है कि भैया हम आपके साथ रहेंगे लेकिन आप में विलय नहीं होंगे, हम अपना झंडी लेकर चलेंगे। तो वही पर यहाँ पर आयोग वह का सिस्टम है, ठीक है, कि जो साथ रहेगा किंतु जुड़ेगा नहीं, अपनी कंडीशन पे रहेगा, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, अयोग वह। अब इसमें देखिएगा दो चीजें होती है, एक होता है अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, जिसमें देखिएगा अनुस्वार में एक बिंदी ऐसे होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं, संवेग, ठीक है, अभी हाल ही के ग्राम पंचायत वीडियो एग्जाम में पूछा गया था अनुसार और विसर्ग से क्वेश्चन, तो संवेग हो गया, इसके अलावा संसार हो गया, ठीक है ना, संसार हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, अनुसार है, और जो अनुसार होता है वही क्या कहलाता है, अयोग वह कहलाता है। इसके अलावा क्या होता है, आप बताते रहिए कमेंट सेशन में, तो ये बिल्कुल समझ में आ गया ना, अयोग वह, और ये अनुसार होता है, अनुसार का ये सिंबल होता है, तो चलिए ठीक है, इसको हम रफ कर दें,
अब देखिएगा एक चीज और होता है, विसर्ग होता है, ठीक है ना, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, तो इसका सिंबल पीछे ही से लगा होता है, दो बिंदी, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं आज बड़ी दुख है, तो ऐसा नहीं लिखा होता दुख, ठीक है, तो यही विसर्ग है, यही क्या है, विसर्ग है, लिखा नहीं रहता प्रातः काल आ जाना, तो ये देखिएगा यही क्या है, विसर्ग है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, बेस्ट आप लोग सभी एजुकेशन मंत्रा के छात्रों को, ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा।